हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. टुडे आई एम हेयर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द बैरोडाज कैट चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8. सो इन माय फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द स्टोरी. दैट स्टोरी इज रिलेटेड टू द टू ब्रदर एंड हु आर डिस्कसिंग अबाउट देयर कैट्स एंड दे बोथ आर अगेंस्ट विद ईच अदर्स व्यू. तो मैंने उसमें वहाँ पर कंटिन्यू किया. मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगी. यू हैव टू फर्स्ट वॉच द पार्ट वन ऑफ दिस स्टोरी, देन यू कैन कंटिन्यू. अदरवाइज यू कैन कांट एबल टू गेट द मीनिंग. सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू हेयर. सो लेट मी रीफ्रेज द सेंटेंस. इंस्टीड ऑफ द साधु बिकम अ कैट, लेट से द कैट हैज टेकन फॉर्म ऑफ साधु इन दिस लाइफ. नाउ देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, सेड बैरोमामा नॉन चेंटिंगली एंड वॉकड आउट टू अप द रूम. फर्स्ट पार्ट में क्लास मैंने बताया था कि यहाँ पर दो भाइयों के बारे में है. बैरोमामा जो हैं वो एक कैट रखते हैं और उनकी वो कैट बहुत शांत है जिसका नाम चांदियाल है और वो उसकी बहुत तारीफ करा करते हैं. लेकिन जैसे ही सेकेंड ब्रदर उनका जो मैजोमामा है वो सुनते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं कि कैट है, इसमें कोई साधु की आत्मा, ये बहुत क्वाइट रहती है, इसको कोई पंच करे तब भी इसको गुस्सा नहीं आता. तो मैं नहीं मानता, मैं इसको बनना ही था तो कुछ और बन जाती अगर ये रियल में कोई साधु था. तो यहाँ पर जो सेकंड ब्रदर हैं उनका मतलब बैरो मामा हैं वो इसके उसका रिप्लाई करते हैं. क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं इस बात को दोबारा से कहना चाहता हूँ कि जो जो कैट है वो साधु जो है, अगर वो कैट बन गया है बनने के बजाय वो कुछ और भी बन सकता तो ये कैट है. कैट भी साधु के फॉर्म में है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ कुछ भी कह सकते हैं. तो वो उसने मतलब उस बात उनकी मैजो मामा की बात को बहुत ध्यान नहीं दिया कि ये तो कुछ भी बोलता है, मैं जो कह रहा हूँ वही बात सही है. और वो वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं. आफ्टर दैट इन अ लाउड बूमिंग वॉइस ही कॉल्ड आउट टू मी. वो कहते हैं उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझे बुलाया. गेट मी अ नाइफ, सीजर, एक्स, वट एवर यू गेट. मुझे एक चाकू दो, कैंची दो, कुल्हाड़ी ला के दो, कुछ भी जो कुछ तुम्हें मिल जाए वो मुझे ला कर दो. आई विल ओपन दिस बॉटल एंड देन ओनली ड्रिंक वाटर, ही डिक्लेयर्ड विद फुल फेरोसिटी. फेरोसिटी मीन्स होता है गुस्से में, बहुत गुस्से में थे. क्यों? क्योंकि वो एक अपनी जो मेडिसिन की बॉटल है उसका क्रॉक खोल रहे थे लेकिन वो खुल नहीं रहा था, बहुत टाइट हो गया था वो. तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उसको खोलते खोलते तंग आ जाते हैं. तो कहते मुझे कैंची, चाकू, मतलब कुछ भी ला के दो, मैं से आज खोल के रंगूँ और मैं इसको तभी मैं पानी पीऊँगा जब ये खुल जाएगी. ठीक है. हियरिंग हिज ब्रदर मैजो मामा टॉन्टेड. उसके जब उनके वही दूसरे वाले ब्रदर थे मैजो मामा, जब वो सुनते हैं तो वो टॉन्ट करते हैं. क्या कहते हैं? इट इज़ द किंग ऑफ चित्तौड़ प्रॉमिस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन. ये चित्तौड़ के महाराज का जो है वो वादा है और ये टूटने वाला नहीं है. ठीक है, वो उनका थोड़ा सा मजाक बना लेते हैं कि अब इन्हें भाई जल्दी से जाके चाकू, कैंची, कुछ भी दो वरना ये जो है इनका ये महाराजा का अनाउंसमेंट है और ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है. ठीक है, वो उसके भाई की हंसी बना लेते हैं थोड़ी सी. दिस इज़ वॉट हैपेंड वेन यू टेक फ्री सैम्पल मेडिसिन. वो कहता है कि ये सब तभी होता है जो ये तुम सैम्पल वाली फ्री वाली दवाइयाँ लेके रख लेते हो. ये ऐसी होती हैं. इफ़ यू बाय मेडिसिन लाइक अस, वो कह रहे हैं अगर तुम हमारी तरह तुम भी ये सैम्पल वाली फ्री वाली दवाइयाँ ना खरीदो ना, और हम जैसे शॉप से लेते हैं वहाँ से खरीदो, देन ओपनिंग बॉटल इज ईजी. वो कहते हैं तो ये ना ये वाली जो बॉटल्स होती हैं वो आराम से खुल जाती हैं, तुम्हारी है ये जो खुल नहीं रही. ही एडेड गिव हिम टिटेनस इन टिटनेस इंजेक्शन, देयर इज़ बाउंड टू बी ब्लड शेड. तो वो कहता है कि अब भैया इनके लिए कोई ज़रा टिटनेस के इंजेक्शन का इंतजाम करो क्योंकि यहाँ पे ना खून खराब होने वाला है. क्यों? क्योंकि ये चाकू से, कैंची से और कुल्हाड़ी से अपनी बॉटल खोलेंगे तो ये खून खराब होने वाला है. तो वो जो मैजो मामा होते हैं वो बैरो मामा की मजाक बना लेते हैं यहाँ पे कि ठीक है इनको ला के दो भाई, इनका बस इंजेक्शन का इंतजाम रह गया बाकी, क्योंकि अब ये खून खराबा करने वाले हैं एक बॉटल खोलने के चक्कर में. वॉज वेयर ऑफ बैरो मामाज हाउस होल्ड चोर्स. तो कहते हैं कि हर कोई जो था वेरी मीन्स होता है टायर्ड, मतलब थक गया था. बैरो मामा के ये जो घर के काम होते थे ना, चोर्स मीन्स यहाँ पे घरेलू जो काम होते हैं, उनसे हर व्यक्ति थक गया था. वंस वैन ही हैड डिसाइड टू क्लीन द फैंस, ही फेल फ्रॉम द लैडर एंड रिमेंड इन द बेड फॉर 3 months विद अ प्लास्टर ऑन हिज लेग. वो कह रहे हैं एक बार ऐसे ही अपने घर में जो है पंखा साफ कर रहे थे और वहाँ से लैडर से सीढ़ी से गिर गए और 3 महीने तक इनके पैरों में प्लास्टर रहा और ये बेड पे पड़े रहे. ठीक है. अनदर टाइम, दूसरी बार क्या हुआ, ही वॉन्टेड टू हैंग अ पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल. और दूसरी बार क्या करने जा रहे थे, ये दीवार पर एक पिक्चर मतलब तस्वीर टांगने जा रहे थे. एंड इन हिज इम्पेशन, और इन्होंने इतना ज़्यादा ये जल्दीबाजी में थे कि ये बैंगड ऑन हैमर ऑन हिज थम, और कि वो जो इनके हाथ में हैमर था वो इनके अंगूठे में ही लग गया. एंड सब्सिक्वेंटली मतलब और उसका परिणाम क्या हुआ, एंडेड अप विद अ
स्वेलन थम एंड अ ह्यूज बैंडेज, कि उनका अंगूठा पूरा सूज गया और उन्हें एक बहुत टाइम तक पट्टी बांधकर बैंडेज करके घूमना पड़ा। मतलब ये ऐसे काम करते ही रहते हैं उल्टे सीधे, कि कुछ ना कुछ इनके साथ गलत होता ही रहता है। ठीक है, अब वो लोग कह रहे हैं देखो आज ये क्या करने वाले हैं। नोइंग दिस हिज इम्पेशेंस एंड एक्सीडेंट पॉन नेचर, उनका ये जो नेचर था ना, ये हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस, मतलब जब जरा सा कोई काम अटकता था तो वो गुस्सा हो जाते थे। जैसे यहाँ पे बॉटल नहीं खुल रही तो इम्पेशेंस हो रहा है, इम्पेशेंस मीन्स होता है धैर्य ना रखना। ठीक है, वो थोड़ा सा भी मतलब अपने आप को संभाल के नहीं काम करते थे कि ठीक है चलो ठीक है आराम से कर लेंगे, नहीं गुस्सा हो गए, मतलब तुरंत इम्पेशेंस हो गए। और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट पॉन नेचर था, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे, एक्सीडेंट होता ही रहता था। माशिमा ग्रैब्ड द बॉटल एंड श्रिक्ड, वो कहते हैं व्हाट इज दिस, वो जो माशिमा थी उन्होंने बॉटल ले ली उनसे कि क्या है ये तुम इसके चक्कर में लगे हुए, इट इज़ आलता यूज टू डेकोरेट द फीट, ये तो आलता की बॉटल है, कहाँ तुम इसके चक्कर में फंसे हुए, तुम इसको इसका क्या कर रहे हो, इसको क्यों खोलना चाह रहे हो, ये तो वो है जिसे हम पैरों में लगाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस थिंग, तुम इसके साथ इस बॉटल के साथ क्या कर रहे हो। ओ माई गॉड, जस्ट इज इट वॉज द बॉटल ऑफ आलता, जो लेडीज अपने पैरों में लगाती है ये उसकी बॉटल थी और ये मेडिसिन की बॉटल समझ के उसको खोलने में लगे हुए थे। ठीक है, बैरो मामा सीमिंग अ बिट रैटल्ड बाई द टर्न ऑफ इवेंट सैड आलता, आई थॉट इट वॉज कफ मिक्सचर, बोले अरे ये क्या बोला तुमने, ये तो ये आलता है, मुझे तो लगा ये कफ मिक्सचर है जो कि खांसी में लोग पीते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वही मडल हेड जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, मडल हेडेड होते हैं जो चीज़ों को मिक्स करते हैं, जो व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा सा इनका भी वैसा ही नेचर है, ये चीज़ों को मिक्स करते हैं, इनको यही नहीं समझ में आ रहा कहाँ मेडिसिन है कहाँ आलता है और क्या चीज़ें हैं। तो वो कहती है माशिमा अ बिट एग्जस्परेटेड बाई नाव एंड सैड, वो मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो मतलब कहती है डज दिस लुक लाइक अ कफ मिक्सचर, ये तुम्हें कफ मिक्सचर दिख रहा है, वाई डिडेंट यू रीड द लेबल, तुम लेबल जो लिखा होता है उसके ऊपर कभी पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम जब देखो तुम अपने मन का काम करने लग जाते हो, इफ इट हैड ओपेंड वॉट वुड हैव हैपेंड, तुम्हें पता है ये खुल जाती तो क्या होता अभी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या हो जाता है, आई वुड हैव ड्रंक टू स्पून ऑफ इट, सैड बरो मामा क्या कहते हैं कि ठीक है खुल जाती तो क्या होता, मैं 2 स्पून पी लेता क्योंकि मैं तो इसे खांसी की दवा समझ रहा था, मैं तो इसको कफ सिर्फ समझ रहा हूँ। ठीक है, मेजो मामा पाइप इन द माउथ हैड कम आउट ऑफ द वेरांडा टू वॉच द फन, अब वो जो मेजो मामा थे जो उनके बीच वाले मामा जी हैं वो आ गए बाहर। ठीक है, उनके मुंह में पाइप लगा हुआ, वो पाइप यूज़ करते थे क्योंकि वो इंग्लिश मैन की तरह रहते थे, और वो आके इस ये जो सारा फनी हो रहा था उसको देखने लगते हैं। विद अ स्मिर्क स्मायर ही सैड, वो एक मतलब उन्होंने चिढ़ाने वाली हंसी उनके फेस पर थी और वो बोले वी हैव टू एग्री दैट द मुखर्जी फैमिली हैड अ यूनिक पीस लाइक हिम, वो कहते हैं और हम लोग तो वो कहते हैं हमें हम लोगों को ना सबको सहमत होना चाहिए कि हमारी फैमिली में ना ये कहते हैं ना हमारे मुखर्जी फैमिली है हमारी, यहाँ पे एक यूनिक पीस है इनकी तरह, ये जो भैया हैं हमारे। ही कंटिन्यू रिमेंबर वंस ही हैड बॉट अ काव फ्रॉम द फेयर एट द सोदपुर टू ड्रिंक प्योर मिल्क, वो कह रहे हैं आपको याद है एक बार ये बछड़ा खरीद लाए थे कहाँ से, सोदपुर के मेले से, और उनको क्या पीना था क्योंकि इनको प्योर मिल्क पीना था, इनको यही नहीं पता है कि बछड़ा दूध देता है या नहीं देता है। तो कहने का मतलब है वो ये कहता है कि इनकी ऐसी हरकतें चलती ही रहती हैं, ये सारे उल्टे सीधे काम करते ही रहते हैं। ठीक है, इनको यही नहीं पता है कि काफ से मिल्क मिलता है या काव से मिल्क मिलता है। ठीक है, तो ये इनको बस ये पता है कि मुझे दूध पीना है प्योर मिल्क, और बछड़ा खरीद के लेके ये आ गए। ठीक, बैरो मामा कुडंट बी फार बिहाइंड, बैरो मामा भी पीछे नहीं थे, सो प्रॉम्प्ट कम द रिटेलिएशन, वो कह रहे हैं अब उनका जो जो उनकी बातें थी ना सुन सुन के उनको भी गुस्सा आने, तो वो भी कह देते हैं अच्छा लेट्स डोंट टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में ज़्यादा मत बोलो, वंस यू हैड ड्रंक टिंचर आयोडीन विदाउट लुकिंग एट द लेबल, तुम्हें याद है तुमने एक बार टिंचर आयोडीन पी लिया था वो भी बिना लेबल देखे हुए, यू ऑल्सो हैड एन
सेटियन पपी हु वुड स्टार्ट हॉलिंग लाइक अ वुल्फ का हुक्का हुआ इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड वी हैड टू फाइनली गेट रिड ऑफ। बोले तुमको याद है तुमने एक बार आयोडीन पी लिया था बिना देखे और तुम एक पपी ले आए थे वहाँ से खरीद के जो रात में बिल्कुल भेड़िए की तरह चिल्लाता था आधी रात को, और फाइनली हमें उससे छुटकारा पाना ही पड़ा, उसको घर से भगाना ही पड़ा। ठीक है, तो मेरे बारे में ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी हरकतें भी इसी तरह की थी। देन द मुखर्जी फैमिली हैड टू यूनिक भारत रत्न अवार्डीज बोथ एज ग्रेट एज ईच अदर। माशिमा पास द हर जजमेंट। फिर इन दोनों की बातें सुनते सुनते माशिमा बिल्कुल परेशान हो जाती है और वो अपना जजमेंट अपना न्याय सुना देती हैं। कहती हैं ये हमारी मुखर्जी फैमिली में ना दो भारत रत्न अवार्डीज़ हैं, हमारे इन लोगों को ना भारत रत्न मिला हुआ है दोनों को, ये इतने महान हैं कि इनसे ज़्यादा तो कोई महान हो ही नहीं सकता दुनिया में। ठीक है, वो थोड़ा सा चिढ़ जाती हैं और इनको दोनों की बेवकूफ़ी भरी बातों पे कह देती हैं। ठीक है, ये ना इनको भारत रत्न मिला हुआ है सबसे बढ़िया बड़ा अवार्ड। बैरो मामा स्माइल्ड अफेक्शनेटली एट हिज ब्रदर एंड सैड वी आर टू यूनिक पीपल व्हाट डू यू से। वो हंसने लगते हैं, बैरो मामा जो होते हैं वो जब माशिमा की ये बात सुनते हैं तो उन्हें हंसी आ जाती है और वो अपने भाई से मैजो मामा से पूछते हैं कि क्यों, देखा हम दोनों बहुत महान हैं, तुम्हें कैसे अब तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। लेकिन यहाँ जो मैजो मामा हैं वो क्या करते हैं, वो नहीं, वो बिल्कुल भी इस समय उस मूड में नहीं है, वो अपने ही मूड में है। वो क्या बोलते हैं, मैजो मामा हु हैड रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सिडनी वॉज नॉट इन द मूड फॉर रिटेलिएशन वो सॉरी रिकन्सिलिएशन। मैजो मामा जो हैं वो इस समय जो सिडनी से लौट कर आए हैं वो बिल्कुल भी इस समय इस मूड में नहीं है कि वो इनसे रिकन्सिलिएशन मतलब बैरो मामा की बातों को सहमति दें, मतलब उनसे फ्रेंडली बिहेव करें। ही काउंटर्ड, बल्कि वो उनके अगेंस्ट कहते हैं आई हैव चेंज्ड, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, आई एम एन इंग्लिश मैन नाउ, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ और मैं जो हूँ वो एक इंग्लिश मैन हूँ इस समय। यू ईट राइस विद योर फिंगर, तुम आज भी वही अपने हाथों से फिंगर से चावल खाते हो, ठीक है, राइस को खाते हो, बेल्च लाउडली और जोर से डकार लेते हो, एंड पुट योर फीट ऑन द आर्म सेट ऑफ द चेयर, और तुम चेयर के आर्म सेट पे पैर रखकर बैठ जाते हो। यू यूज गमछा आफ्टर योर शावर, शेम शेम, तुम आज भी टॉवल नहीं यूज करते, तुम गमछा यूज करते, शेम 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 ऑन यू। ठीक है, बैरो मामा टर्न्ड अप हिज नोज इन डिसगस्ट, वो भी मतलब थोड़ा सा ना डिसलाइक करते हुए नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं इंग्लिश मैन एन इंग्लिश मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक इंग्लिश मैन ऑस्ट्रेलिया से कैसे आ सकता है, पीपल विल लाफ एट यू, लोग सुनेंगे ना तो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, ओनली पीपल फ्रॉम इंग्लैंड कैन बी कॉल्ड इंग्लिश मैन, केवल जो लोग इंग्लैंड से आते हैं ना उनको इंग्लिश मैन बोला जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये उसकी खिंचाई कर देता है एंड ही कंटिन्यू बैरो मामा सेड ही कंटिन्यू कंडेंसिंगली, बिल्कुल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं यू वोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड दे से, तुम एक शब्द भी नहीं समझ सकते जो वो लोग बोलते हैं। इंग्लिश मैन विल रोल देयर टंग टू से सिंपल वर्ड्स लाइक वाटर एंड मेक इट साउंड लाइक वाटर। ठीक है, तुम्हें पता है इंग्लिश मैन जो है वो सिंपल वर्ड्स को भी बहुत अपनी टंग को ट्विस्ट करके बोलते हैं, जैसे अगर सिंपली उन्हें बोलना है वाटर तो दे मेक द साउंड लाइक वाटर। ठीक है, इंग्लिश मैन तो डोंट कम चीप, बोले तुम इतने चीप और वो लोग इतने चीप भी नहीं होते। दे वियर थ्री पीस सूट एंड टाई अनलाइक योर टाई, वो कहते हैं और वो लोग थ्री पीस वाले सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं तुम्हारी टाई की तरह नहीं, विच नीड टू बी कट विद अ सीजर, वो तुम्हारी टाई इतनी लंबी है कि उसको सीजर से काटने की ज़रूरत है। व्हेन यू वांट टू रिमूव इट, जब तुम्हें हटाना जब तुम उसको उतारना चाहते हो तो तुम्हें उसकी नॉट तक बांधनी नहीं आती, तुम नॉट उसकी इतनी टाइट बांध लेते हो कि उसको काट के ही निकालना पड़ता है। मतलब बनते हो तुम इंग्लिश मैन बट यू डोंट हैव द मैनर हाउ टू वियर अ टाई, तुम्हें ये भी नहीं पता कि टाई कैसे बांधते हैं, उसकी नॉट भी नहीं बांधनी आती तुमको। ठीक है, बैरो मामा एडमोनिश्ड यू मस्ट बी बॉर्न इन इंग्लैंड, यू कांट जस्ट बिकम वन आफ्टर बर्थ, वो कह रहे हैं तुम्हें अगर तुम्हें इंग्लिश मैन बनना था ना तो वो उसको चिल्लाते हुए बोलते हैं एडमोनिस्ड मीन्स कि तुम इंग्लिश मैन ना जन्म से बनते, वहाँ पे पैदा होते तो तुम इंग्लिश मैन होते, यहाँ पर पैदा होके तुम इंग्लिश मैन नहीं बन सकते अपने आप को जो इंग्लिश मैन बोल रहे हो तुम। ठीक है, दिस सेंसलेस आर्ग्यूमेंट वुड हैव कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ये ऐसा जो इन लोगों का बेतुका सा आर्ग्यूमेंट था, ये फूलिश आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर तक चलता रहा। इफ़ बैरो मामाज एल्डरली कंपाउंडर हैडेंट अराइव, अगर चलता ही रहता, अगर उनका ये जो बैरो मामा है ये थोड़ा सा मेडिसिन के फील्ड में है तो इनका कंपाउंडर आ जाता है ब्रीथलेसली, बहुत दौड़ता हुआ आता है, बिल्कुल सांस नहीं ले पाता, एट दैट मोमेंट उसी समय आ जाता है। अ ग्रेट मिशअप हैज़ अकर्ड अनडाउटेबली मर्डर्ड ही गैस्प, और वो हाँफता हाँफता ज़ोर से चिल्लाता है इनकी बहुत गलत हो चुका है, एक बहुत गलत घटना घट गई है और मुझे तो ऐसा लगता है ये निसंदेह जो है वो एक मर्डर है, किसी ने मर्डर कर दिया। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं।
बैरोमामा, सॉरी, एंड वेयर हैज दिस मैशअप अकर्ड? बैरोमामा क्वेश्चन, बैरोमामा क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ हो गया, कहाँ क्या मैशअप हो गया, क्या घटना घट गई है? इन योर चैम्बर, माई चैम्बर, वॉट डिड यू अलाउ इट? वो कहते हैं वाई डिड यू अलाउ इट? वो कहते हैं मेरे चैम्बर में, मेरे चैम्बर में कैसे हो गया? वो कंपाउंडर्स कहते हैं तुमने मेरे चैम्बर में जाने की परमिशन कैसे दी, किसी को भी अलाउ कैसे किया? बिफोर आई कुड से एनी थिंग इट वेंट अंडर द मेडिसिन कबर्ड. वो कह रहे, तो वो बोलता है मैं क्या करता, मैं उसको जब तक कुछ कह पाता वो मेडिसिन की कबर्ड के नीचे घुस गया. हु वेंट द मर्डरर? वो कहते हैं कहाँ मर्डरर, कहाँ गया वो मर्डरर, जिसने मर्डर किया वो कहाँ गया? मतलब ये लोग आपस में ही क्वेश्चन आंसर उसका कंपाउंडर और बैरोमामा कंटिन्यूसली करते रहते हैं कि तुमने उसने घुसे क्या, घुसने कैसे दिया? बोले मैंने थोड़े ना उसको घुसने दिया, वो तो खुद ही घुस गया, मैं तो कुछ कह पाता उससे पहले ही. तो वो कहते हैं अब बताओ कहाँ गया वो मर्डरर. योर ह्यूज फैट कैट, इट हैज़ caught a highly alive fluttering pink pigeon. वो कहता है ये वही है मर्डरर, ये वही है जो तुम्हारी ह्यूज मोटी सी फैट मोटी वाली कैट है, उसने आज एक जीवित फड़फड़ाते हुए पिंक कलर के पिजन को पकड़ लिया. ओ गॉड. डेफिनेटली गोरेल वुड हैव कमिटेड दिस क्राइम, डिक्लेयर्ड बैरोमामा. बैरोमामा गुस्से से कहता है कि ये पक्का उस मेरी दूसरी वाली कैट जो गोरेल है उसका काम होगा, वही बहुत शैतान है. ठीक है, ब्लेमिंग हिज ब्रदर फॉर कैट्स बिहेवियर, और वो अपने भाई के ऊपर कैट के इस बिहेवियर के लिए मतलब ब्लेम करता है. ऑल दैट लव एंड अफेक्शन हैज़ मेड अ मंकी आउट ऑफ हिम. वो कहते हैं ये इसको पूरा ना ये बंदर की तरह बना दिया है इसको, जो इसके इसके सब इसी को प्यार दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा ईटिंग ऑल द टाइम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. इसको पूरे टाइम खिलाते रहो, सुबह नाश्ता, दिन में लंच, फिर डिनर, और तब भी इसका पेट नहीं भरता. लेट्स सी, वो कहते हैं चलो देखते हैं इफ़ वी कैन सेव द पुअर पिजन. वो कहले चलो सबसे पहले हम लोगों को चल के देखना चाहिए कि क्या हम उस पुअर पिजन को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे सब लोग चलते हैं. बैरोमामा कहते हैं टर्निंग टू द कंपाउंडर ही इंस्ट्रक्टेड गेट अ सेलिन रेडी, आई हैव टू गेट रिड ऑफ द कैट. वगैरह एक सेलिन तैयार करो, मुझे इस बिल्ली से जो छुटकारा पाना ही पड़ेगा. इलिटरेट कैट, ये बिल्कुल अनपढ़ एनिमल है. आई विल पुट इट इन अ सैक एंड टेक इट टू बैरकपोर. वो कह रहे हैं मैं इसको ना एक बोरे में भर के इसको कहीं बाहर भेज दूंगा. ये बिल्कुल जंगली मतलब बिल्कुल अनपढ़ बिल्ली है, इसने मतलब उसको खा लिया, पिजन को खा लिया. ठीक, एवरी वन हैड नाउ गैदर्ड इन द चैम्बर. अब सभी लोग उसके चैम्बर में, बैरोमामा के चैम्बर में इकट्ठे हो चुके थे. मोनिडा, बैरोमामाज मैन फ्रेंड. मैन फ्रेंड का मतलब होता है यहाँ पर एक मेल पर्सन हु असिस्ट, हु इज़ लॉयल एंड ट्रस्टेड. उनका मतलब बहुत ही लॉयल पर्सन है मोनिडा. स्टूड रेडी विद अ स्टिक, वो अपने हाथों में एक स्टिक लेके खड़ा हुआ था. माशिमा लुक्ड एक्सट्रीमली माइजरेबल. माशिमा जो थी वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल मीन्स होता है परेशान दिखाई दे रही थी. शी लव्ड हर पिजन एंड वुड फीड देम एवरी मॉर्निंग. माशिमा क्योंकि पिजन से बहुत प्यार करती थी और वो डेली उनको मॉर्निंग में दाना खिलाती थी. एंड दे वुड फ्लटर अराउंड हर एंड सिट ऑन हर शोल्डर, और वो हम उसके कंधे के चारों तरफ फड़फड़ाते थे और उसके शोल्डर पे आकर भी बैठ जाते थे. मतलब माशिमा ने ये पिजन जो पाल रखे थे और उनको बहुत दुख हो रहा था कि आज मेरे पिजन को इसकी कैट ने मार दिया. ठीक है, इसको इंजर्ड कर दिया है. अब देखिए क्या होता है. कंपाउंडर बाबू एडेड फ्यूल टू द फायर. अब उसने क्या किया, बिल्कुल फ्यूल द फायर. व्हाट अ फ्यूरियस कैट. उसने भी गुस्से में क्या किया, फ्यूल टू द फायर का मीनिंग होता है आग में घी डालने का काम किया. उसने कहा ओ इतनी गुस्से वाली कैट मैंने तो आज तक नहीं देखी. द मोमेंट आई वेंट आफ्टर इट, इट लेफ्ट इट्स प्रे एंड अटैक्ड मी. वो रहे जब वो तो मैं जब उसको बचाने गया तो उसने अपना शिकार छोड़ के मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, मतलब मेरे ऊपर अटैक कर दिया. बाय देन द कैट हैड कम आउट फ्रॉम अंडर द कबर्ड विद अ पिजन इन इट्स माउथ. तभी उसी समय कबर्ड के नीचे से वो कैट निकल आती है, उसके मुंह में वो पिजन होता है, वो मुंह से पकड़कर आ जाती है. वो क्या बोलता है, मेजोमा शाउटेड इन एक्साइटेड. वो शाउटेड जोर से चिल्लाता है, द पाइप फॉलिंग आउट हिज माउथ. और उसके जैसे वो चिल्लाता है तो वो हमेशा पाइप यूज़ कर देते अपने मुंह में, तो वो पाइप निकल के बाहर गिर जाता है. लुक हेयर, देखो, दिस इज नॉट माई घोरेल, ये मेरी घोरेल नहीं है. इट्स बोर्डाज फेवरेट चांदियाल. देखो ये मेरी जो घोरेल मुझे पसंद थी वो वाली कैट नहीं है, ये इनकी फेवरेट है, जिस जो चांदियाल की बड़ी तारीफ करते थे ये कि साधु है, शांत रहती है. टुडे इट हैज़ वोकन अप फ्रॉम इट्स
वो कहता है आज देख लो, टुडे इट हैज़ वोकन अप फ्रॉम इट्स परपेचुअल मेडिटेशन। आज ये उठ गई अपने कभी ख़त्म होने वाले मेडिटेशन से, ये जो कहते थे कि हमेशा मेडिटेशन में रहती है, इसका मेडिटेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता, आज बस देख लिया, आज ये जाग गई और इसने क्या करके दिखाया है। एमिट्स ऑल द शाउटिंग एंड रनिंग अराउंड एंड स्केयर्ड कैट ड्रॉप्ड हाफ डेड पिजन एंड जम्प्ड ऑन द रूफ ऑफ द मीटर रूम। क्या हुआ, अचानक से जब सभी लोग एकदम से चिल्लाने लगे तो इसी बीच वो दौड़ी और उसके जी मतलब मुंह में से जो हाफ आधा मरा हुआ पिजन था वो गलती से गिर गया और वो कूद के मीटर रूम में जाके छुप गई कैट। ठीक है, जस्ट स्टॉप दिस वीडियो हेयर, आई विल कंटिन्यू दिस इन द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो यू हैव टू वेट फॉर द पार्ट थ्री ऑफ दिस स्टोरी। आई होप टिल हेयर यू विल गेट द आंसर और यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थ्री। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।